नमस्कार दोस्तों, अगर आप जियो या एयरटेल का कोई भी प्रीपेड प्लान इंटरनेट मकसद से खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि किसका मोबाइल इंटरनेट का स्पीड सबसे बेटर है, जियो या एयरटेल की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुट द बेल आइकन ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं टेक आनंद, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं यहां पे 3 बार टेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी वीडियो में 1 बार टेस्ट करते हुए देखे हैं तो वो गलत है, क्योंकि कभी क्या होता है स्पीड फ्लैक्चुएट करती है। तो 3 बार टेस्ट कीजिए, उसके बाद जो एवरेज आता है वो उसकी स्पीड होती है। तो मैं यहाँ पे 3 बार एयरटेल और जियो का इंटरनेट स्पीड चेक करूंगा, और इन तीनों में जो एवरेज निकल के आएगी वही उसकी इंटरनेट स्पीड होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एयरटेल मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्पीड टेस्ट ओपन कर लिया हूँ। अब ये यहाँ पे एयरटेल ब्रॉडबैंड एंड एयरटेल मैंने सेलेक्ट किया, सर्वर भी और LTE भी। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कनेक्टिंग, देखते हैं अभी डाउनलोड स्पीड स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं कहाँ पे जाके ये स्टॉप होती है डाउनलोड स्पीड। तो ये 3-4 चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देखते हैं 4 या 5 के आसपास रहेगी। तो देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड जो है वो 4.80 Mbps की है। अभी अपलोड स्पीड चल रही है, ये 2-3 के आसपास रहेगी। तो देखते हैं ये भी कहाँ पे जाके स्टॉप होती है। तो ये शायद 4 पे जाके रुकेगी आई थिंक, या तो देख सकते हैं अपलोड स्पीड जो है वो 4.63 Mbps है। तो फर्स्ट टेस्ट में दोस्तों डाउनलोड स्पीड 4.80 एंड अपलोड स्पीड 4.63। अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ सेकेंड टाइम, मैं फिर से गो पे क्लिक किया, कनेक्टिंग। तो देखिए ये गोइंग ऑन, इस पर देखता हूँ कि सेकेंड टाइम्स में कहाँ पे डाउनलोड स्पीड जाके रुकती है। 8.9 चल रहा है सेकेंड टाइम्स में, इट्स गोइंग ऑन। तो 8.82 डाउनलोड स्पीड है, यानी 8.82 Mbps। अब अपलोड स्पीड 6 के आसपास है, 5-6। तो देखते हैं ये भी कहाँ पे स्टॉप होती है अपलोड। तो 5.02 अपलोड स्पीड, 5.02 एंड डाउनलोड स्पीड 8.82 Mbps सेकेंड टाइम्स में। अब मैं थर्ड टाइम्स में चलता हूँ और मैं चेक करूँगा कि थर्ड टाइम्स में कितना है। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, कनेक्टिंग। ये थर्ड टाइम का है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड अभी चल रही है 3-4-2 कभी आ रही है। तो देखते हैं ये भी कहाँ पे जाके स्टॉप होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि मैं 3 बार स्पीड टेस्ट चेक करूँगा और उसका जो एवरेज आएगा वो हमारी स्पीड होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम से अगर आप चेक करते हैं तो स्पीड फ्लैक्चुएट करती है, तो वो सही एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक्यूरेट स्पीड आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये मेरी स्पीड है या क्या है। तो इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं थर्ड टाइम में डाउनलोड स्पीड जो है वो 4.67 Mbps की है एंड अपलोड स्पीड जो है वो 6.25 Mbps की है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल का Test 1, Test 2 एंड Test 3 का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड। उसके बाद अगर मैं डाउनलोड का एवरेज स्पीड निकालूं तो आता है 6.09 एंड अपलोड स्पीड 5.3 Mbps की। अब मैं दोस्तों जियो का टेस्टिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं। अब मैं दोस्तों जियो का स्पीड टेस्ट करता हूं 3 बार, उसके बाद मैं इसका एवरेज निकालूंगा और देखूंगा कि इसकी कितनी स्पीड है। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्पीड टेस्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ, मैं इसे गो पे क्लिक करूंगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे में सर्वर में जियो नवी मुंबई क्लिक कर सिलेक्ट कर लिया हूं और जियो भी। तो अब मैं गो पे क्लिक करता हूं, कनेक्टिंग। तो देखते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं ये भी जियो का जो है फर्स्ट टाइम मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कहाँ पर जाके स्टॉप होती है। तो डाउनलोड स्पीड 8.32, अब ये अपलोड स्पीड चल रही है, तो इसे भी देखते हैं कहाँ पर जाके अपलोड स्पीड स्टॉप होती है। तो ये 3-4 के आसपास स्टॉप होगी जैसा मुझे लग रहा है। तो अपलोड स्पीड 3.87 फर्स्ट टेस्ट में। अब मैं दोबारा सेकंड टेस्ट करता हूँ दोस्तों,
तो मैं फिर से गो पे क्लिक करता हूँ, कनेक्टिंग। अब ये स्टार्ट हुआ, इस बार 5-6 के आसपास इसकी स्पीड रहेगी, डाउनलोड स्पीड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी वेरिएशन है। अगर आप एक बार चेक करेंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आपकी स्पीड क्या है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि मल्टीपल टाइम्स 3-4-5 टाइम्स आप चेक कीजिए, उसके बाद एवरेज निकालिए। तो इस बार दोस्तों डाउनलोड स्पीड 7.90 एंड अपलोड स्पीड 3.86 Mbps है। अब मैं थर्ड टाइम इसकी स्पीड चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड अब ये 6.7 के आसपास शायद जाके ये स्टॉप होगी। तो 7.06 इसकी डाउनलोड स्पीड है, थर्ड टाइम है दोस्तों, ये तीसरी बार मैं रन कर रहा हूँ, तीसरी बार मैं स्पीड टेस्ट चेक कर रहा हूँ जियो की। और इसकी अपलोड स्पीड देखता हूँ कहाँ पे ये थर्ड टाइम में स्टॉप होती है, तो 3.51। यानी दोस्तों डाउनलोड स्पीड थर्ड टाइम में 7.06 एंड अपलोड स्पीड 3.51 Mbps। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जियो का डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 में। उसके बाद अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज स्पीड डाउनलोड जो है वो 7.76 है एंड एवरेज अपलोड स्पीड 3.74 Mbps की है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एयरटेल एंड जियो का मोबाइल इंटरनेट का कंपैरिजन करें तो जियो का बेटर है कंपेयर टू एयरटेल। बट दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कैसे स्पीड डिसाइड होती है, ये जानना सबसे जरूरी है आपको। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि जियो की स्पीड अच्छी है, या कहीं आप देख रहे होंगे एयरटेल की स्पीड अच्छी है, बट मैं बोलूंगा कि गलत वो वीडियो है। तो दोस्तों स्पीड जो होती है वो नेटवर्क कवरेज पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके एरिया में किस नेटवर्क का कितना कवरेज है। अगर आपके एरिया में जियो का नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छा है तो आपको जियो की स्पीड बेटर दिखाएगा, और अगर किसी दूसरे एरिया में एयरटेल की नेटवर्क कवरेज अच्छी है तो एयरटेल की स्पीड बेटर दिखाएगी। तो आप यहाँ पे दोस्तों ये कभी नहीं कह सकते हैं कि एयरटेल की स्पीड अच्छी है या फिर जियो की स्पीड अच्छी है। अगर मैं दोनों का एवरेज स्पीड बताऊँ तो 4 से 5 Mbps की होती है। कहीं पे आपको एयरटेल की स्पीड 9 से 10 Mbps होगी, कहीं पे जियो की 9 से 10 Mbps होती है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी कि आपका मोबाइल कितने डिस्टेंस से नेटवर्क को कैच कर रहा है, कितनी पावरफुल नेटवर्क आपके मोबाइल में आ रहा है, कितना पावरफुल नेटवर्क आपका मोबाइल कैच कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्पीड डिपेंड्स करती है। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि जियो की स्पीड अच्छी है या एयरटेल की स्पीड अच्छी है तो गलत है। एवरेज मैं यहाँ पे बोलूँगा दोनों की 4 से 5 Mbps है। तो दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में जियो एंड एयरटेल का मोबाइल इंटरनेट स्पीड कितनी है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।